दोस्तों नेक्स्ट हेलीकॉप्टर की मैं बात करने वाला हूँ, उसका नाम है हेलीवाच और ये 3 कलर में हमें मिल जाता है। और दोस्तों इसमें कोई भी रिमोट नहीं होता है। इसको कंट्रोल करने के लिए हमें एक ब्रेसलेट टाइप जायरो सेंसर मिलता है, उसी से इसको कंट्रोल किया जाता है। और दोस्तों फिर भी मैं यहाँ बताना चाहता हूँ, इसको कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है क्योंकि इसके अंदर इनबिल्ड जायरो सेंसर नहीं आता है। और दोस्तों इसकी बैटरी की बात कर लेते हैं, तो इसमें भी हमें 400 मिली एम्पेयर की बैटरी मिलती है, जो एक बार चार्ज करने के बाद हमें 15 मिनट तक का बैकअप देती है। तो देखिए दोस्तों, कुछ इस तरह से ये फ्लाई करता है। फ्लाई तो काफ़ी अच्छे करता है, पर इसमें भी एक प्रॉब्लम है, ये गोल गोल ज़्यादा घूमता है। दोस्तों जो छोटे हेलीकॉप्टर सस्ते वाले हेलीकॉप्टर होते हैं वो कुछ इसी तरह से गोल गोल ज़्यादा घूमते हैं और स्टेबल फ्लाई बहुत कम करते हैं। स्टेबल फ्लाई वही हेलीकॉप्टर करेगा जिसके अंदर इनबिल्ड जायरो सेंसर होगा, वही स्टेबल फ्लाई करेगा। और दोस्तों फिर भी अगर जो आप इसको बाय करना चाहते हैं तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप अमेजोन से जाकर उसको बाय कर सकते हैं।